जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं आर एच खुरमी के ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के लिए। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि 480 क्वेश्चन का था। आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं फ्लूड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं आज हम लोग आज मैं यहाँ से फ्लूड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने वाला हूँ। जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टैकल किया था, उसी प्रकार फ्लूड मैकेनिक्स का भी उसी इजी तरीके से मैं आपको इसे बताने वाला हूँ। चलिए तो आज से शुरू करते हैं हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक, इस बार मैंने जो फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉन्ट ज़्यादा छोटा हो गया था। फॉन्ट थोड़ा मतलब बड़ा करने का मतलब ये होता है कि इसका जो इमेज का जो क्वालिटी वो रिड्यूस हुआ था। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। फर्स्ट नंबर से बोल रहा था मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हम लोग का रो, जिसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कह लीजिए या फिर मास डेंसिटी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। उसको डिनोट करते हैं रो से, स्पेलिंग उसका आर एच ओ रो। अगर इसका यूनिट देख लिया जाए तो मास का हम लोग का केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो रो का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा मास डेंसिटी, या फिर डेंसिटी सिंपली बोल सकते हैं, जो आपको इच्छा करे। इसमें देखिए स्पेसिफिक वेट दिया, वो भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक वेट बोलिए या फिर वेट डेंसिटी बोलिए। स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से। ये है मल्टीप्लीकेशन रो इंटू जी का। ये जो हम लोग का मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हम लोग का होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलेगा तो वो हम लोग को कहता है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। वहीं अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम कह देगा तो उसको हम लोग मास डेंसिटी कहेंगे। ठीक, अगर इसका यूनिट देख लिया जाए, इसका यूनिट होता है हम लोग का किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी में अगर और देख लेते रहे, जो हम लोग का स्पेसिफिक यूनिट होता है हम लोग का, जो स्पेसिफिक वेट जो होता है हम लोग का वाटर का, वो लिया जाता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वो लिया जाता है हम लोग का 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इसको चेंज किया जाए, किलो न्यूटन को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, 9.81 × 10^2 क्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को मीटर को भी चेंज करना है एमएम में अगर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 9.81 × 10^-6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये चीज, ये वाटर की कंडीशन में हम लोग को याद रखना, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बोला था वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। हाँ, तो मैंने बताया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोलेगा तो हम लोग का मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, हम लोग का स्पेसिफिक, ओ सॉरी स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला है यहाँ पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो वेट डेंसिटी का था। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। जितना भी स्पेसिफिक चीज आएगी उसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करेंगे, जैसे स्पेसिफिक वेट हो गया तो स्मॉल डब्ल्यू, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया तो स्मॉल बी। ठीक, तो स्मॉल बी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है जस्ट उल्टा होता है हम लोग का डेंसिटी का, 1/ρ। इसका मतलब जो है 1/m/v जो हम लोग का होता था यहाँ पर, वो हम लोग का v/m हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास।
तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हाँ करेक्ट है। ठीक, ये हम लोग का ए नंबर जो है करेक्ट उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। यही मैं बोल रहा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो हम लोग क्या होता है, मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी बोल लेते हैं सिंपल। ठीक, लेकिन अगर उन बोले वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम लोग का स्पेसिफिक वेट हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, जो जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पर एक और टर्म दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, आइए देख लेते हैं ये भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है हम लोग का, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, किस कंडीशन में, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो टेम्परेचर कितना हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग का 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस केस में जो है हम लोग का, इस केस में जो है हम लोग का 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक, इसका यूनिट कोई भी नहीं होता है, नो यूनिट। इसका अगर यूनिट पूछे स्पेसिफिक डेंसिटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इसका नो यूनिट। ठीक, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट ही लेंगे, मतलब 1। आई ने बोल रहा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट, स्पेसिफिक वेट मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक वेट का एसआई यूनिट मैंने बताया था किलो न्यूटन पर मीटर, और सॉरी मैंने मीटर स्क्वायर बता दिया था। यहां पर देखिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यू होगा, मीटर क्यू, ये गलती से स्क्वायर हो गया, मीटर क्यू होगा। ठीक, किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यू 9.81, तो वाटर का एसआई यूनिट मैंने बताया था 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू होने का। देखिए तीनों होगा, ये किलो न्यूटन में दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ, लेकिन एसआई यूनिट पूछा है यहाँ पे, तो हम लोग 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यू लगे। एसआई यूनिट का खासा ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि देख लिया कि तीनों यूनिट सही है तो हम लोग एनी ऑफ दीज मार दें, और एनी ऑफ दीज जो है ऑप्शन इसमें मस्ट देता है, इसलिए वो देख करके ही अटेम्प्ट करना है इसको, इसलिए यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा तो इसमें 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू ही टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट, 5 नंबर बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो मैंने बताया वो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। आइए नेक्स्ट, बोल रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी एज नो यूनिट, हाँ तो एग्री, आपको पहले ही बताया, चूंकि स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वेट कैंसिल आउट हो जाए दोनों ऊपर नीचे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, नो यूनिट हो जाएगा उसको। बोल रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो 1 लिया जाता है उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना लिया जाता है, तो 1 लिया जाता है। बोल रहा था स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश देन दैट ऑफ प्योर वाटर, स्पेसिफिक वेट पूछा गया है यहाँ पर, स्पेसिफिक वेट पूछा गया है सी वाटर का प्योर वाटर के तुलना में, तो क्या होगा, लेस देन होगा, वो क्या होगा, लेस देन होगा, क्योंकि हम लोग का सी वाटर जो है हम लोग का थोड़ा खारा होता है, इसलिए हम लोग उसके लेस देन हो जाएगा स्पेसिफिक वेट। बोला द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोल रहा है इसमें कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग जान ही रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब वो तो सही दिया हुआ है, तो क्या वो न्यूमेरिकली इक्वल टू इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है, तो हाँ ट्रू है, ये हम लोग का न्यूमेरिकली इक्वल होता है। 10 नंबर बोला था स्पेसिफिक वेट ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी, तो मैंने पहले ही बता दिया इसके बारे में, तो करेक्ट है ये उत्तर। अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल बोला, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यू ऑफ ए सर्टेन लिक्विड इज 2 टन्स इट्स मास डेंसिटी, डेंसिटी मैंने क्या, रो, रो इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास दिया हम लोग का 2, मास दिया हम लोग का 2 टन, 2 टन्स बाय 2.5 मीटर क्यू, लेकिन यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, ये 2 टन्स तो दिया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सब केजी में दिया हुआ, तो टन को हम लोग केजी में कर लेंगे, तो 2 into 1 टन बराबर होता है 1000 टन,
बाय 2.5, ठीक, कैंसिल आउट कर दीजिए, आ जाएगा हम लोग का आंसर, ये 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 0, तो 4 दुना 8, तो 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 800 डी नंबर, ये हम लोग का डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा इजी था। आए ने 12 नंबर बोल रहा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन वॉल हुज स्पेसिफिक वेट इज इतना, इज स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को बोला है, जब हम लोग का स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकाले, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकाला जाए यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ 7.85 बाई 9.81 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, जो हम लोग का आंसर होगा वही हम लोग का जो भी ऑप्शन में दिया हुआ डिवाइड करके जो आएगा हम लोग का 0.8 आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, तो हम लोग का ये नंबर जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट, बोला है वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेंस एन वॉयल विच वेज 30 किलोमीटर, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वॉयल, स्पेसिफिक वेट पूछा है वॉयल का, तो स्पेसिफिक वेट हम लोग क्या जानते हैं, रो इंटू जी, रो स्पेसिफिक वेट, या फिर हम लोग कहते थे वॉल्यूम पर यूनिट, सॉरी वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट हम लोग का दिया हुआ 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, ठीक, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 4, ठीक, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये मीटर क्यूब में है, कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी होगा आंसर हो जाएगा हम लोग का, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए वेट दिया हुआ है, तो आप लोग सोच रहे हैं रो इंटू जी यूज करने के लिए, तो रो इंटू जी यहाँ पे यूज मत कीजिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम यूज कीजिए, जो मैंने डेफिनेशन बताया था वो रो इंटू जी फॉर्मूला अलग कंडीशन में यूज होगा। अब देखिए 14 नंबर, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड से यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखते हैं एक एक करके, बोल रहा था प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं भैया विस्कोसिटी, उसको क्या कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जब एक लेयर जो है दूसरे लेयर एडजेसेंट लेयर को वो रेसिस्टेंस पैदा करता है, मतलब आगे बढ़ने उसको नहीं देता है, उस कंडीशन में वैसा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, तो विस्कोसिटी कहते हैं। कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी बताइए क्या है, कैपिलरिटी होता है हम लोग का, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ही है, कि कोई एक वर्टिकल कॉलम में इसमें जो है राइज और फॉल जो होता है, राइज और फॉल जो होता है हम लोग का हाइट ऑफ लिक्विड का, उसको हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी याद कीजिए, कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताया था आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कंप्रेसिबिलिटी बताया था मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल केस में, क्या बताया था, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बताया था मैंने, ये रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का, ये मैंने बताया था रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था हम लोग का स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू स्ट्रेस, ठीक, ये चीज, ये कंप्रेसिबिलिटी। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन बताइए क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है हम लोग का, ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, जो क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है, किसको रेसिस्ट करता है, कौन सा स्ट्रेस को, तो टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक, अवरोध पैदा करता है टेंसाइल स्ट्रेस के रास्ते में, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, 15 नंबर बोला काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी
इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी होता है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मल्टीप्लीकेशन है। डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग या तो आप लोग बोल लीजिए एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर सिंपली विस्कोसिटी, दोनों एक ही चीज है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी, ये कोई तीनों चीज दिया हो रहा है सेम ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक, तो इसका ए नंबर करेक्ट उत्तर है। ए नेक्स्ट 60 नंबर ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैंने अभी बताया ध्यान दिए होंगे तो न्यूटन पर मीटर, तो ये फोर्स है न्यूटन और ये लेंथ मीटर है ना, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक, 17 नंबर द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, बोल रहा है वॉल्यूम के वेरिएशन में कोई भी लिक्विड के केस में वॉल्यूम में अगर वेरिएशन आएगा तो अगर उसके प्रेशर में वेरिएशन आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी। इन द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इनेबल्स इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, तो मैंने अभी बताया सरफेस टेंशन जो है टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। 19 नंबर बोल रहा क्वेश्चन व्हेन अ ट्यूब ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन अ वाटर द वाटर राइजेज इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर, है ना, मैंने क्या बताया राइज और फॉल किसके कारण होगा, राइज और फॉल कोई भी जो है हम लोग का ट्यूब या ट्यूब ले लिया है या फिर कोई कॉलम अगर वर्टिकल ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है, कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कारण, तो कैपिलरिटी कारण, लेकिन यहाँ बोल रहा कि ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर तो ये फॉल्स हो जाएगा हम लोग का। ठीक, ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है वो गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ ट्यूब ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर द वाटर राइजेज इन अ ट्यूब विद एन अपवर्ड डैश सरफेस, तो जब भी एक स्मॉलर डायमीटर ऑफ ट्यूब डीप होगा हम लोग का वाटर में, मान लेते हैं ये पानी में डिप्ड है हम लोग का, ये हम लोग का तो ब्लू से बना देता हूँ, ये पानी जो हम लोग का इसमें डिप्ड है, तो बोल रहा है कि जब भी ये वाटर जो रेज होगा, वाटर जो रेज होगा ऊपर, वाटर जो रेज होगा वो कैसा कर्व बनाएगा, तो कनकेव कर्व सरफेस बनाएगा। 21 नंबर बोल रहा है अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर यूज व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर कैपिलरी राइज ऑफ वाटर बिकॉज, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछा गया है कि कैपिलरी राइज का जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोग ये ग्लास ट्यूब ही क्यों लेते हैं स्मॉलर डायमीटर का, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इट इज ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास, अगर मेटालिक ग्लास लेंगे तो उसमें हम लोग को दिखेगा या नहीं कि कितना राइज और फॉल हो रहा है। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ग्लास ट्यूब का यूज करते हैं कैपिलरी के केस में। ठीक, बोला 22 नंबर द मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नोन, है ना, आप लोग भी जानते होंगे कि ग्लास को जो है ग्लास को मरकरी जो है भिगा नहीं सकता है, वो कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है वो बताइए, तो वो जो हम लोग का प्रॉपर्टीज वो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, क्या कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं उसको। आइए नेक्स्ट 23 नंबर बोल रहा है विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, अगर साइज ऑफ ट्यूब अगर इंक्रीज किया जाए, अगर छोटा से थोड़ा बड़ा डायमीटर का अगर ट्यूब ले लिया जाए तो राइज ऑफ और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल, तो उसका क्या हो जाएगा, जितना बड़ा हम लोग जैसे जैसे डायमीटर हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसका वो चीज़ हम लोग क्या हो जाएगा राइज जो उसमें हम लोग का वो हम लोग का डिक्रीज करता जाएगा, ए नंबर जो है उसका करेक्ट उत्तर होगा। देखिए इसमें इक्वेशन पूछा गया है कैपिलिटी केस में एच जो है हाइट जो है कितना राइज और फॉल होगा, तो एच इक्वल टू था हम लोग का होता है 4 सिग्मा कॉस अल्फा बाई डब्ल्यू डी, 4 cos alpha by WD, देख लीजिए किस में है ये उत्तर 4 sigma cos alpha by WD, ये C नंबर होगा, ये अल्फा नहीं ये सिग्मा है, ये सिग्मा होगा, जहाँ कि W जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, अल्फा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड सरफेस और सिग्मा जो है सरफेस टेंशन। 25 नंबर बोल रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड शॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज, लीड शॉट के केस में बोल रहा है कि सरफेस टेंशन का हम लोग प्रॉपर्टी क्या हम लोग यूज करते हैं, तो ये हम लोग का करेक्ट उत्तर है।
26 नंबर बोला द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज डैश देन वाटर। मरकरी सरफेस टेंशन पूछा गया है, मरकरी और वाटर केस में एक ही टेम्परेचर में अगर लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, मरकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो मरकरी का जो सरफेस टेंशन है वो हाइयर होगा प्योर प्योर नहीं वाटर के केस में। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन मैंने पहले बता रखा न्यूटन पर मीटर, सिग्मा से डिनोट करते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेशन ऑफ इट्स पार्टिकल। देखिए कोहेशन और एडहेशन क्या होता है, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एडहेशन क्या होता है और कोहेशन क्या होता है। कोहेशन जो होता है हम लोग का, कोहेशन जो होता है हम लोग का, वो सेम पार्टिकल ऑफ सेम मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर या सेम सिमिलर मॉलिक्यूल या सिमिलर सब्सटेंसेस पे लगता है, सिमिलर मॉलिक्यूल या फिर सिमिलर सब्सटेंस पे लगता है, सिमिलर सब्सटेंस ठीक। और एडहेशन जो है, एडहेशन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, टू डिसिमिलर मतलब दोनों जो है सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूलर, टू डिसिमिलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दोनों जो है अलग अलग होता है। तो अगर वाटर का केस ले लीजिए, जैसे लिक्विड लिया तो वाटर का अगर केस ले लेंगे तो हम लोग का अगर एक लेयर दूसरे लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, विस्कोसिटी तो वही कहता है ना कि एक लेयर जो दूसरे लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो लिक्विड का केस लिए हैं तो वो पूछ रहा है कोहेशन ऑफ पार्टिकल के कारण होता है, तो लिक्विड क्या, दोनों तो एक ही पार्टिकल है ना, दोनों तो वाटर ही है ना, तो इसका हम लोग करेक्ट हो जाएगा उत्तर। 29 नंबर बोल रहा है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ होल इन अ वेजर। बोल रहा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में क्या इफेक्ट या फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके रेट ऑफ फ्लो पे, अगर कोई एक मतलब वेसल पे अगर होल कर दिया जाए तो, थ्रू अ होल इन अ वेसल, तो इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब अगर होल्स पास होगा तो जरूर इफेक्ट तो जरूर करेगा। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज डैश देन दैट ऑफ मरकरी। विस्कोसिटी पूछा गया है वाटर और मरकरी केस में कौन ज्यादा होता है और कौन कम होता है, तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो हम लोग का ज्यादा होता है। जैसे देखिएगा क्या, मरकरी का जो पकड़िएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, वाटर का ये मतलब वो जो है हम लोग का मॉलिक्यूल एक साथ चिपका रहता है वो अलग अलग नहीं होगा, तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो हम लोग का हाइयर होगा। 31 नंबर बोल रहा है फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फेयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना। देखिएगा जब भी कोई बारिश का बूंद गिरता है तो वो मतलब हम लोग का स्फेयर मतलब जो है हम लोग का स्फेयर हो जाता है, गोल बन जाता है। वो बोल रहा है किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस असिस्ट करता है। तो ये जो है, ये हम लोग का जो है सभी तरफ जो है स्ट्रेस जो है बराबर लगाता है, तो जिसके कारण जो है हम लोग का पार्टिकल जो है, जो हम लोग का बारिश का बूंद का जो पार्टिकल है वो हम लोग का गोलाई में गिरता है, स्फेयर बोल सकते हैं गोल। 32 नंबर बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज, बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। देखिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इक्वल टू होता है हम लोग का डब्ल्यू इंटू एच, क्या होता है हम लोग का डब्ल्यू इंटू एच, जहां डब्ल्यू आप जान रहे हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है, या फिर स्पेसिफिक वेट को ही आप लोग वेट डेंसिटी जो आपको बोलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और एच जो है हम लोग का, एच जो है हम लोग का वर्टिकल हाइट ऑफ द कॉलम, जो कि जितना हम लोग का राइज और फॉल हो रहा है लिक्विड सरफेस पे। तो बोला इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, देखिए किस कंडीशन मिल गया है, एरिया कंडीशन पूछ रहा है, डेप्थ कंडीशन, लेंथ डेप्थ, तो हम लोग क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एच के कंडीशन में हम लोग का ये है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका उत्तर जो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड सर्फेस। ये फॉर्मूला भी याद रखेगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू डब्ल्यू इन टू एच, ये बहुत काम देने वाला है। द प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो पास्कल एट एनी पॉइंट, मैंने अभी बताया W इंटू एच, यहां से निकाल भी सकते हैं W इंटू एच, W हम लोग का क्या होता है किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इंटू हाइट कर दीजिएगा तो मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग का बचेगा, तो वो यूनिट हम लोग का निकल जाएगा। 34 बोला द प्रेशर एट अ पॉइंट 4 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, है ना। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि 4 मीटर बिलो कोई हाइट का केस में, तो हम लोग का जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा,
जैसा कि मैंने आपको बताया P इक्वल टू W इंटू एच, तो W हम लोग यहाँ पर 9.81 ले लेंगे अगर नहीं कुछ दिया है तो, और ये 4, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है कितना आ जाएगा, 4 8 चौक 32, 3 9 चौक 36, 3 39, 2 जीरो के पास है तो 39.24, देख लीजिए कि इसमें 39.24 किलो पास्कल आ जाएगा या फिर किलो न्यूटन पर मीटर उस पर आप बोल सकते हैं, तो हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक, 35 द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू अ प्रेशर ऑफ 0.15 मेगा पास्कल। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ही दिया हुआ है, जहाँ कि हम लोग P इक्वल टू W इंटू एच जानते हैं, P इक्वल टू W इंटू एच जो जानते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर ही दिया हुआ हम लोग का 0.15 मेगा पास्कल, और पूछा क्या W तो हम लोग जान ही रहे, नहीं दिया तो 9.81 यूज कर लेंगे, हाइट पूछा गया है यहाँ पर, तो हाइट इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा 0.15 बाई 9.81। ठीक, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ये चूंकि मेगा पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ पर मेगा पास्कल दिया हुआ तो इसको 10^3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो हम लोग का उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर जो हम लोग का आ जाएगा आंसर जो 15.3 मीटर, 15.3 मीटर ए नंबर। ठीक, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। 36 नंबर बोल रहा था इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ इन अ लिक्विड डैश टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सर्फेस। मैंने क्या बताया P इक्वल टू W इंटू एच, P इक्वल टू W इंटू एच, तो जो हम लोग का डेप्थ ऑफ लिक्विड या फिर हाइट ऑफ द लिक्विड जो ही बोलिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सर्फेस। 37 नंबर देखिए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो सही है, पास्कल्स लॉ हम लोग का यही कहता है कि कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट में है या रेस्ट पे है, तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो है हम लोग का, कोई भी लिक्विड अगर जब रेस्ट में रहता है तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है सभी दिशा में एक समान लगेगा। ठीक, तो वो हम लोग क्या है, पास्कल्स लॉ। वाटर पूछ रहा है वाटर कैसा है, हम लोग का लिक्विड है तो इनकंप्रेसिबल लिक्विड या आ जाके और पता लगेगा आपको क्या है। 39 नंबर बोल रहा है द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज कॉल्ड। प्रेशर जो मेजर किया जाता है प्रेशर गेज के कारण, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेज प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। जो भी प्रेशर मापा जाएगा प्रेशर गेज से, उसको क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल तीनों कोई भी लिख सकते हैं इसको, 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर, या फिर मरकरी केस में लेंगे तो 760 mm ऑफ मरकरी, तीनों में से कोई भी आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट ऑल हाइट। पूछ रहा है डेंसिटी जो है एयर का, जो डेंसिटी है वो सभी हाइट पे क्या एक ही होगा, तो नहीं, डेंसिटी जो है हम लोग का हर एक हाइट पे जो है अलग अलग होता है, इसके लिए ये जो है हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड। बोल रहा है कोई भी पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी जो है ज़्यादा है लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर केस में, दोनों का जो डिफरेंस है हम लोग का, दोनों का जो डिफरेंस है प्रेशर में, उसको उस डिफरेंस को हम लोग कैसा प्रेशर बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। अगर वही चीज़ हम लोग का लोकल एटमोस्फेरिक ज़्यादा हो जाता प्रेशर इंटेंसिटी से, तो हम लोग आ जाता वैकम प्रेशर। क्या हो जाता, वैकम प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे दिया हम लोग का, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज लेस, बोल दिया उसमें मोर था, तो ये जो है हम लोग कहते हैं वैकम प्रेशर। 44 नंबर जो बोल रहा था वैकम प्रेशर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव गेज प्रेशर, तो सही है, वैकम में हमेशा जो है हम लोग नेगेटिव गेज प्रेशर लेते हैं। वैकम का स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बहुत गलत लिखते हैं, वैकम होता है VACUUM, ठीक, VACUUM होता है वैकम का स्पेलिंग, ना कि VACUUM, है ना, तो ये स्पेलिंग जो है गलत है हम लोग का, राइट स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेल है इसका VACUUM, वैकम। तो हमेशा जो है वैकम पूछ रहा है, वैकम प्रेशर इज ऑलवेज द नेगेटिव गेज प्रेशर, हाँ तो सही है।
अब बोला द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल, देखिए इसमें यहाँ पे दो केस आता है, देख लेते हैं दोनों चीज। यहाँ पे दो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन है हम लोग का जो दिया था, जो पहले दिए देखे थे कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा ये प्रेशर इंटेंसिटी केस में, या फिर कम रहेगा, दो चीज़ हो सकता है। तो पहला जो केस ले रहे हैं हम लोग ज़्यादा ले ले रहे हैं, तो उसमें किस उसमें क्या हो रहा था हम लोग का, उसमें हम लोग का गेज प्रेशर पॉजिटिव में आ जा रहा था, तो ये हम लोग का हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, ATM लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा हो जा रहा था हम लोग का तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर जब जब एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर जब देख रहे हैं हम लोग का जब ज्यादा हो जा रहा, एटमोस्फेरिक प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो वो गेज प्रेशर हम लोग कैसा हो जाएगा, वो हम लोग गेज प्रेशर जो है पॉजिटिव होगा, वो गेज प्रेशर हम लोग क्या हो जाएगा हमेशा जो है इसको पॉजिटिव में ले लें। ठीक, एक कंडीशन और यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जब हम लोग का एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है लेस होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर से जब लेस होगा गेज प्रेशर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैकम गेज प्रेशर। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये जो ATM प्रेशर से कम है हम लोग का ये आ जाएगा वैकम प्रेशर। और इसको हमेशा हम लोग किस में लेंगे, तो नेगेटिव केस में लेंगे। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये जब हम लोग का एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तब, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर से जब कम है तब। तो बोल रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर किस में है, इक्वल टू तो गेज प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ए नंबर जो है करेक्ट है, उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर, तो प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या बोलेंगे, सक्शन प्रेशर बोल सकते हैं, नेगेटिव गेज प्रेशर बोल सकते हैं, वैकम प्रेशर बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा सब होगा नेगेटिव में। बोल रहा है गेज प्रेशर एट पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर डैश द एटमोस्फेरिक प्रेशर, बोल रहा है गेज प्रेशर कोई भी कंडीशन में, जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर इक्वल टू पूछा गया एब्सोल्यूट प्रेशर के समेशन में होगा या फिर हम लोग का माइनस में होगा, इसमें ये नहीं दिया है कि वो प्रेशर इंटेंसिटी केस में लेस है या फिर प्रेशर इंटेंसिटी केस में ज़्यादा है, तो उसको आप कैसे कैटेगराइज कीजिएगा, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा गया गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर हम लोग क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर लिख देता हूँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो हम लोग क्या हो जाएगा, बी नंबर जो हम लोग का करेक्ट होता जाएगा, गेज प्रेशर पूछा है यहाँ पे, इसलिए बोल रहा था प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजियोमीटर, पीजियोमीटर के थ्रू जो हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे वो हम लोग कैसा प्रेशर रहेगा, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो जो भी हम लोग पीजियोमीटर के थ्रू हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। 49 नंबर है, बोला द वैकम प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजियोमीटर ट्यूब, गेज प्रेशर तो माप ही रहे थे तो पूछ रहा है क्या कि वैकम प्रेशर की को भी हम लोग माप सकते हैं क्या पीजियोमीटर के थ्रू, तो फॉल्स है, वैकम प्रेशर को हम लोग पीजियोमीटर के थ्रू नहीं माप सकते। 50 नंबर, द बोल रहा था प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजियोमीटर ट्यूब इज इन, तो इसका यूनिट नहीं होता है कोई, हम लोग का जो भी पीजियोमीटर के थ्रू हेल्प मेजर करते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो हम लोग हेड ऑफ लिक्विड में मापते हैं। ठीक, पीजियोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर को कितने में डिफ्रेंशिएट किया गया, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आज तक इतना रखते नहीं तो फिर वीडियो हम लोग का ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो देखने में लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो इतना आज तक हम लोग रहते हैं 50 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको पीजियोमीटर और मैनोमीटर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता दूंगा, तो आप लोगों को जो है समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक, वीडियो जो है हर एक डे जो है 8 बजे अपलोड हो जाया करेगी, और हर एक संडे को नहीं अपलोड होगी, मंडे टू सैटरडे ही अपलोड होगी, संडे को अपलोड नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग जो है वीडियो जो है ध्यान से देखें, नहीं समझ में आए दोबारा देखें, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में क्यूरी के लिए डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।